दोस्तों ग्राम पुवारका में राज्य विश्वविद्यालय के संबंध में ग्राम पुवारका में विश्वविद्यालय की मांग को लेकर धरना आज भी जारी रहा। आज भी प्रदर्शन स्थल पर मौसम खराब होने के बावजूद भी सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। आपको अवगत करा दें कि गत वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुवारका में विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति दे दी गई थी और इसके लिए किसानों से जमीन अधिग्रहण की सहमति पत्र भी प्राप्त कर लिए गए थे। किसान अपनी जमीन मात्र दोगुने मुआवजे पर देने को तैयार हो गए थे और लगभग 60 बीघा जमीन गांव की ओर से विश्वविद्यालय को मुफ्त दी जा रही है। किसान अपना पेड़ों और ट्यूबवेल का मुआवजा भी छोड़ने को तैयार है। विश्वविद्यालय के लिए यहां की परिस्थितियां अनुकूल है। सहारनपुर के मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह CHC अस्पताल, बिजली घर, सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस चौकी की विवी स्थल के ठीक सामने ही है तथा कई इंटर कॉलेज और पब्लिक स्कूल भी इस गांव में मौजूद है। यहां तत्काल विश्वविद्यालय की क्लासेस शुरू करने के लिए राजकीय डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग मौजूद है। यहां पर विश्वविद्यालय के नव नियुक्त रजिस्ट्रार महोदय ने अपना योगदान भी दे दिया था और लगभग 10 कमरे विश्वविद्यालय चलाने के लिए खाली करा दिए गए थे। फिर अचानक गत सप्ताह इस विश्वविद्यालय के नाम पर रसाकशी होने लगी और इसे पुवारका से अन्य किसी स्थान पर भेजने के अलग अलग प्रस्ताव प्रशासन एवं कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा भेजे जा रहे हैं। इससे क्षेत्र के ग्रामीणों में अत्यधिक रोष है, इसके लिए उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जब हमने इस संबंध में भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर मोहकम सिंह चौहान जी से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि वे आज 7 मार्च 2020 को धरना स्थल पर गए थे और ग्रामीणों को अपना संपूर्ण समर्थन उनके इस संघर्ष में देने का आश्वासन दिया और उन्होंने बताया कि इसमें पूर्व विधायक महावीर सिंह राणा सहित कई और जनप्रतिनिधि इस विवि को पुवारका में रुकवाने के लिए प्रयासरत हैं। इस संबंध में जिले के समस्त जनप्रतिनिधि एवं शासन प्रशासन स्तर पर सभी से संपर्क कर उनका सहयोग लेने की कोशिश की जा रही है। चौहान साहब ने बताया कि अपने लक्ष्य प्राप्ति तक हम इस संबंध में संघर्ष करते रहेंगे और ग्रामीणों के साथ खड़े रहेंगे। इस मौके पर श्री श्याम सिंह जी प्रबंधक, श्री राजकुमार प्रधान, सुधीर राणा, विक्की राणा, रामबीर सिंह, कुलतार सिंह, शुभम राणा आदि सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। धन्यवाद। तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर ले और ताजी ताजी अपडेट्स पाने के लिए घंटे को जरूर दबाएं और लुफ्त उठाएं ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस का।